शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लोकेशन तो यही बता रहा है। का बदला हम लेंगे। हम लेंगे बदला आपका। शिवांश, शिवांश, शिवांश उठो, शिवांश होश में आओ, शिवांश। हे भगवान, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, शिवांश, शिवांश। हे भगवान, क्या करें? फोन, शिवांश। फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। हम क्या करें? शिवांश, शिवांश, हे भगवान, पंचे करते। इसकी तो पल्स नहीं आ रही। शिवांश, शिवांश आके खोलो, शिवांश, क्या करे? रुके। हाँ। कोई गाड़ी क्यों नहीं रोक रहा है? अब इतनी रात को किसे बुलाए? पंटी को बोलेंगे, वो तो शिवांश का नाम सुनते ही मना कर देगा। और ताऊजी वैसे ही हमसे गुस्सा है। अकेली है तो हमें इसे यही मार दें तो किस्सा ही खत्म हो जाए। जूली कह रही थी कि सिवान श्रवणी को यही कुछ दिखाने लाया था। क्या दिखाने लाया होगा? यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर होगा ताकि हम अपनी बिटिया को इस जंजाल से निकाल सकें। संदूक में अस्थि कलश, ये अस्थि कलश को इतना संभाल के काय रखे हुए? जानते हैं
तुम्हें इस वक्त किसकी कमी सबसे ज्यादा खल रही होगी, इसलिए हम तुम्हारे पापा की फोटो ले आए। ये जो पूरा बवाल हुआ है, इसके पिता की तस्वीर से इसका कुछ लेना देना है। हो ना हो, इस सारे मसले का सिरा इसके पिता के साथ छोड़ा है। लेकिन इसके पिता थे कौन? और इतने सालों से अस्थि कलश का है संभाल के रखे हुए, बात कुछ बैठ नहीं रही। और भी कुछ मिल सकता है, जैसे तस्वीर या कुछ? कहाँ है तू? सपेरे की बेटी है, सांप से बड़ा हथियार क्या हो सकता है हमारे लिए? शिवांश, ये तो आंखें नहीं खोल रहा। शिवांश, हर बार किसी ना किसी तरह बच जाती हो श्रवणी, पर इस बार नहीं। शिवांश की तरफ नहीं, श्रवणी की तरफ। आज से ठीक 12 साल पहले हमें हमारी जिंदगी का सबसे यादगार तोहफा मिला था। हमारे पापा खून से लथपथ बेजान पड़े हुए थे। अपने पिता की हत्या की आग में
कितने सालों से चल रहे हो तुम। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।